हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एसएससी सीजीएल टीयर 3 की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। हम जानेंगे डबल एओ, जेएसओ और बाकी की पोस्ट के लिए क्या प्रोबेबल कट ऑफ हो सकती है, लिस्ट 4 में जिन कैंडिडेट्स का नाम है उनके क्या चांसेस हैं सिलेक्शन के, और अगर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि इसके ऊपर आपको एक सिलेक्शन, एक सेफ पोस्ट मिल सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी, इस वजह से इसको मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ रहा है। ये मेरे कोर्सेज हैं जो कि कल से यानी 1 जुलाई से हमारे अनअकैडमी पर शुरू हो रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरसी पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट का कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नरेशन और वॉइस का कोर्स है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का कोर्स है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे ही कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप एक एक पर जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं सभी को, और सभी में एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेली एक फ्री क्लास होती है मेरी शाम के 5 बजे, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आज के लिए सिर्फ ये ऑफर है आपका, अनअकैडमी में प्राइस हाइक होने वाला है 1 जुलाई से, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं AMANT। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट डिस्काउंट और एनीथिंग, और आप रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे बैचेस हैं जिन पे आप एनरोल कर सकते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी पर हर संडे को कॉम्बैट होता है, जिससे आप अगर आप रैंक लाते हैं तो आप फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट सेक्शन में पिन है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको सारे अपडेट्स और सारी चीजें मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम चैनल ने इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, वहां पर आपको रील्स के थ्रू वोकैबुलरी सीखने को मिलती रहती है। बातचीत शुरू करते हैं अपने सीजीएल की टीयर 3 की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। आपको अच्छे से पता है कल ये रिजल्ट आ गया है और इसमें इन्होंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि कितने कैंडिडेट्स बुलाए हैं, कितने क्या है, सारी बात इन्होंने हमें बता दी है। 13,982 कैंडिडेट सीपीटी की पोस्ट के लिए और 27,000 कैंडिडेट्स नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए बुलाए हैं। सीपीटी पोस्ट का मतलब हो जाता है जिनमें आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ये एग्जाम आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, एग्जामिनर के लिए, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन अदर मिनिस्ट्रीज, इन सभी पोस्ट के लिए आपको इसको देना होता है। बाकी बहुत सारी पोस्ट में सीपीटी और डीएसटी को जरूरत भी नहीं है, यानी कि ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक। चलिए बात शुरू करते हैं, वैकेंसीज को जरा देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज पास्ट से हमारे आ रही हैं। तो अगर आप सीजीएल 2016 को देखेंगे तो करीब आपकी वैकेंसीज थी 10,661। इसमें सीजीडीए का एक काफी बड़ा चंक था जो कि 3,000 के आसपास वैकेंसीज थी। सीएचएसएल सीजीएल 2017 में 8,121 वैकेंसीज थी आपके। सीजीएल 2018 में 11,105 वैकेंसीज थी और सीजीएल 2019 में आपकी 8,539 वैकेंसीज हैं अभी टेंटेटिव। हो सकता है वैकेंसीज बढ़ जाएं, फाइनल रिजल्ट आते आते कई बार वैकेंसीज बढ़ जाती हैं और कई बार कम भी हो जाती हैं, तो हम ये मान के चलेंगे हो सकता है कि वैकेंसीज हमारी कुछ बढ़ जाएं। अगर बढ़ती हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी और हमारा कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक। तो वैकेंसीज पे डिपेंड करेगी सारी चीज, जो भी हम बात करेंगे वो वैकेंसीज पे डिपेंड करेगा। ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सीजीएल 16 और 18 में लगभग बराबर वैकेंसीज थी और 17 और 19 में लगभग बराबर वैकेंसीज हैं। अब बात करें कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई है, जरा हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कट ऑफ फॉर डबल ओ के लिए, 2017 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 642। 2018 में जो कट ऑफ गई थी डबल ओ के लिए वो गई थी 686। इसके अलावा सीजीएल 2019 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 710। जेएसओ की पोस्ट के लिए यहां पर कट ऑफ गई थी 515, यहां 584 और यहां गई 536। सीपीटी की पोस्ट के लिए 496, 539, 624 यहाँ पर गई है आपकी, अभी जो हमारी 624 आपको अच्छे से पता है हमारी कट ऑफ गई है। यहाँ पर डीएसटी के लिए 488 गई थी, 512 गई थी और 605 गई थी। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या जो डीएसटी वाली लिस्ट में बच्चों का नाम है क्या इनके लिए कुछ पोस्ट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, और सीपीटी वाली बच्चों को कहाँ तक रैंक आ सकती है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जरा बात करते हैं डबल एओ के लिए। तो डबल एओ में जो आपकी कट ऑफ सीजीएल 2017 में उन्होंने निकाली थी वो निकाली थी टीयर 3 तक, वो निकाली थी 642। इसमें से कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए थे 3,082 और 600 वैकेंसीज आपकी उस साल थी, और फाइनल कट ऑफ जो आपकी गई थी वो 662, यानी कि आप ये देख सकते हैं करीब 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपने यहां पर देखा,
ठीक है, 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट आपको यहां पर दिखता है। सीजीएल 2018 की बात करें तो कट ऑफ गई थी 681 और फाइनल कट ऑफ गई 691, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं लगभग आधे कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए और वैकेंसीज भी आधी थी, तो इसलिए 691 सिर्फ 4 नंबर की बढ़ोतरी हुई। अगर हम बात करें सीजीएल 2019 की तो यहां पर जो सिनेरियो है दैट इज मोर सिमिलर टू सीजीएल 2017, ये 2017 से ज्यादा सिमिलर है। तो 500 वैकेंसीज यहां पर हैं और 2200 कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए हैं और वैकेंसी कट ऑफ निकाली है 610, तो जो प्रोबेबल कट ऑफ है वो हो सकता है कि 730 के आसपास आपकी कट ऑफ बने, हो सकता है ये 725 हो सकता है ये 720 हो और हो सकता है 735 भी हो, ठीक है। तो करीब आपके 725 के ऊपर वाले कैंडिडेट्स मेरे हिसाब से सेफ होंगे। 9 जुलाई को आपके मार्क्स आ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और इससे नीचे 720 से नीचे जिनके हैं उनके बहुत रेयर चांस है कि उनको WO की पोस्ट मिले, ओनली वेन अगर बाकी लोग WO बिल्कुल ही नहीं लेते हैं तब हो सकता है। तो इसमें जो आपकी कट ऑफ है वो 730 प्लस माइनस 5 मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इतनी कट ऑफ हो सकती है WO के लिए। अगर बात करें JSO की पोस्ट के लिए तो यहां पर 17 में कट ऑफ थी 515, ठीक है, और यहां पर इन्होंने फाइनल कट ऑफ निकाली आपकी 648, ठीक है, और कैंडिडेट्स बुलाए थे 3804, ठीक है, तब सिर्फ 50 वैकेंसीज थी। तो इसीलिए आप देख रहे हो देयर इज अ ह्यूज लीप, बहुत ही ज्यादा लीप है आपके फाइनल कट ऑफ में, आपकी जो टीयर 3 तक कट ऑफ दी थी उससे, क्यों, क्योंकि वैकेंसीज ही 50 थी। लेकिन अगर 2018 की बात करें तो यहां पर 274 वैकेंसीज इन्होंने दी है, 274 वैकेंसीज थी तो 2500 कैंडिडेट्स बुलाए और 584 से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 626। अब अगर आप यही चीज यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपकी वैकेंसीज हैं 265, ठीक है, यहां पर आपके 265 वैकेंसीज हैं। अब 265 वैकेंसीज हैं यानी कि दैट इज वेरी मच सिमिलर टू 2018 सिनेरियो। यहां पर इन्होंने बुलाए हैं 1862 कैंडिडेट्स। अब इस बार कैंडिडेट्स कम बुलाए हैं, अगर कैंडिडेट्स कम बुलाएंगे तो आपके चांसेस हैं कि कट ऑफ से बहुत ज्यादा डिफरेंस इस बार उतना नहीं आना चाहिए क्योंकि कैंडिडेट्स कम बुलाए। तो यहां पर आप अगर देखेंगे आप 626 से अगर आप देखेंगे 584 में 42 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है, 42 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ था, और अगर 536 में अगर आप बात करेंगे तो 42 ऐड करेंगे तो 578 जाता है। तो चूंकि यहां कैंडिडेट्स कम बुलाए हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि 570 तक आपकी कट ऑफ जेएसओ की चली जाए, ये प्लस माइनस 5 हो सकता है, ठीक है, ये आपकी जेएसओ की पोस्ट के लिए मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, 570 तक हो सकता है कि चली जाए क्योंकि हमारी जो कट ऑफ गई है वो कम गई है और कट ऑफ अगर भाई कम जाएगी तो आपकी फाइनल कट ऑफ भी पहले से कम ही जाएगी ना, सिंपल, ठीक है। चलिए, क्योंकि जेएसओ थोड़ी सी कम पसंद की जाती है पोस्ट कैंडिडेट्स के द्वारा इसलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं आपके कैंडिडेट्स, अब बात करते हैं ऑल पोस्ट फाइनल कट ऑफ, यानी कि हम ये सभी पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट बात करें कि मिनिमम कितने मार्क्स हों तो कोई भी पोस्ट मिल जाए। तो सीजीएल 2017 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनकी जो कट ऑफ थी वो थी 496 सीपीटी वाली पोस्ट के लिए, मैं बता रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं लिस्ट 3 के लिए, ये कोई भी बात आपकी लिस्ट 4 के कैंडिडेट्स की नहीं हो रही है, लिस्ट 3 तक बात हो रही है, ठीक है। लिस्ट 3 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें इन्होंने 496 कट ऑफ निकाली थी और फाइनल कट ऑफ निकली है आपकी 524.25, ठीक, यानी कि इससे नीचे कुछ नहीं मिला था, और उस साल इन्होंने 19,000 कैंडिडेट्स बुलाए थे और वैकेंसीज थी 8,121। सीजीएल 2018 में 539 कट ऑफ निकाली सीपीटी के लिए और 546 कट ऑफ गई, यानी कि बहुत पास में हमारे इसके आ गया। लेकिन इस बार इन्होंने एक चीज अच्छी की थी कि कैंडिडेट्स काफी कम बुलाए थे। अब आप ये देखिए यहां लगभग 8,000 पोस्ट हैं और यहां डबल से भी ज्यादा बुला रखा है, यहां सिर्फ 11,000 पोस्ट हैं और सिर्फ 15,000 कैंडिडेट्स बुलाए हैं। जब आप कैंडिडेट्स कम बुलाते हो तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है फाइनल कट ऑफ के लिए। तो 539 करें तो 546 कट ऑफ गई। अब इस बार क्या है कि वैकेंसीज तो 8,539 हैं पहले साल की तरह, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स इन्होंने और कम बुलाए हैं, कैंडिडेट्स इस बार इन्होंने और कम बुलाए हैं, आप पिछले साल से भी कम बुला रहे हैं और 8,539 वैकेंसीज है, लेकिन साथ ही साथ वैकेंसीज भी कम हो गई पिछले साल से,
तो इसलिए कैंडिडेट्स भी कम बुलाएं। तो इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी 640 के आसपास जा सकती है प्लस माइनस 5। हो सकता है बहुत हाई गई तो 645, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फाइनल कट ऑफ जानी चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए, यानी कि जो लोएस्ट जाता है ज्यादातर सीबीडीटी का जाता है, सीबीआईसी के टीए का जाता है या फिर यूडीसी का जाता है, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जानी चाहिए यूडीसी की। और कम में कम जा सकती है इससे, मैं ये मानता हूं कि हो सकता है ये 630 से 635 के आसपास भी चली जाए। 635 से कम मुझे बहुत रेयर चांस लगता है, लेकिन और 645 से बहुत ज्यादा का मुझे चांस नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो फाइनल पोस्ट के लिए होगी किसी भी पोस्ट के लिए, दैट विल बी अराउंड 635 to 645। ये 10 मार्क्स का मार्जिन में लेकर चल रहा हूँ, इतने ही मार्क्स में आपकी फाइनल कट ऑफ किसी भी पोस्ट के लिए हो जाएगी। तो यानी कि इससे ज्यादा मार्क्स अगर आपके होते हैं 9 जुलाई को आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। इससे कम मार्क्स हैं अगर 624 हैं, और इससे कम है अगर आपका नाम लिस्ट 4 में है तब क्या है। तो अगर लिस्ट 4 वाले कैंडिडेट्स का नाम है तो आई हैव टू टेल इट विद वेरी हैवी हार्ट दैट देयर इज नो चांस फॉर द लिस्ट 4 कैंडिडेट्स, क्योंकि आपको मैंने 3 साल का इतिहास दिखाया, 17, 18 और 2 साल का इतिहास मैंने दिखा दिया। दोनों साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सीपीटी वाले से कम कट ऑफ गई हो, हमेशा आप देख रहे हो कि सीपीटी वाली पोस्ट जो उन्होंने कट ऑफ निकाली है उससे ज्यादा ही है। तो इसका मतलब इतिहास कभी अपने आप को गलत नहीं ठहराता है, यही होगा इस साल भी। तो 624 जो कट ऑफ निकाली है यूआर की मैं बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा 640 के आसपास कट ऑफ आपकी आएगी फाइनल, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ का मेरा प्रेडिक्शन था। पिछले साल आप कुछ कट ऑफ देख सकते हैं, एमईए की 2017 में 576 थी, 2018 में बढ़ के 632 हो गई, यहाँ 578 थी, ये गलत है आपका। एक्साइज इंस्पेक्टर की 543 थी, यहाँ पर बढ़ के 579 हो गई, यहाँ 535 थी, ये बढ़कर 548 हो गई, और TAUBA यहाँ 524 थी, ये बढ़कर 547 हो गई, जो कि इस साल मेरे हिसाब से TA या फिर UDC जिसकी भी लोएस्ट जाएगी वो करीब 630 या 635 के आसपास जाएगी, 35 से कम मुझे बहुत रेयर पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है। सो दिस वॉज माई प्रेडिक्शन अबाउट द कट ऑफ एंड आई एम वेरी हैप्पी, अगर ये गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है इससे कम में मुझे नहीं चांसेस लग रहे हैं। बाकी पिक्चर ज़्यादातर क्लियर आपकी होगी 9 जुलाई को जब आपके मार्क्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को आगे की सीरीज भी वीडियो इस पे मिलेंगी, हम अगले आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि इतना हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और आपको फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो भी जल्द ही मिलने लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।